पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक रैखिक युग्म समीकरण को प्रत्यास्थापन विधि द्वारा हल करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग रैखिक युग्म समीकरण को विलोपन विधि का यूज करके हल करना सीखेंगे। यह भी विधि बहुत ही सिंपल होता है, क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर मैंने एक रैखिक युग्म समीकरण एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 ले लिया है और इसको विलोपन विधि का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, तो इसे मान लो समीकरण एक रोमन अंक में यहाँ पर एक लिख देता हूँ, और यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दिया, तो इसे मान लो समीकरण दो। अब देखो विलोपन विधि का यूज करके हमको सॉल्व करना है, तो विलोपन विधि में यहाँ पर देखो x का गुणांक 1 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2 है, इसमें y का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक 3 है। तो विलोपन विधि का यूज तभी करते हैं जब दोनों समीकरण में अगर x का गुणांक सेम हो, नहीं तो y का गुणांक सेम हो। तो यहाँ पर y का गुणांक 3 है और यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण में नहीं तो x का गुणांक समान कर लेंगे, नहीं तो y का गुणांक समान कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर y का गुणांक 3 है, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे कि y का गुणांक 3 हो जाए, तो समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा करते हैं तो y का गुणांक 3 हो जाएगा, और इसमें तो 3 है ही, तो दोनों समीकरण में y का गुणांक समान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बढ़िया से लिख देना, बिल्कुल ही शुरुआत से बता रहा हूं, समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर देखो समीकरण 1 में 3 से गुणा करो तो लेफ्ट में क्या है, x प्लस वाई, तो इसमें भी 3 से गुणा होगा, गुणे x प्लस वाई, और यहाँ पर बराबर है तो बराबर, और फिर 3 में 5 से, यानी दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करो कितना हुआ, 3x प्लस का प्लस एज इट इज, उसके पास 3y क्या होगा, 3y इक्वल टू का इक्वल टू, जब 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 15, तो इसे मान लो समीकरण 3, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 1 तो मैंने ले लिया पहले ही उसका, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 इन दोनों को ऐड करने पर, आखिर हम ऐड क्यों कर रहे हैं, कि देखो यहाँ पर -3y है, यहाँ पर +3y है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब 3y से 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हिंदी में लिख देना बढ़िया से, तभी नंबर मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे समीकरण तीन क्या है, ये वाला, और समीकरण तीन और समीकरण दो को जोड़ने पर समीकरण तीन और समीकरण दो दोनों को जोड़ दो। तो देखो यहाँ पे समीकरण दो क्या है, यहाँ पर उतार लो ऐसे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है, और समीकरण 3 क्या है, 3x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को जोड़ना है, तो जोड़ दो। तो देखो यहाँ पर 3 और 2 कितना हुआ, 5, तो 5x, अरे यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब ये कट गया, अरे इक्वल टू का इक्वल टू एज इट इज, अरे 15 में 4 जोड़ोगे कितना होगा, 19, ठीक है। तो यहाँ से 5x इक्वल टू कितना आया, 19, तो यहाँ पर लिख लो 5x इक्वल टू 19। आप देखो यहाँ पर 5 किस में, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना बचा, 19 बटा 5। अब हमें क्या करना है, y का मान ज्ञात करना, x का मान तो निकल गया कितना, x इक्वल टू 19 बटा 5। अब y का मान ज्ञात करने के लिए यह x का मान इन तीनों समीकरण में किसी समीकरण में रख दो, ठीक है। तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ पर देखो, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5, और यहाँ पर y का मान हमें ज्ञात करना है, तो x का मान यहाँ पर क्या है, 19 बटा 5, तो x के स्थान पर कितना रख देंगे, 19 बटा 5 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखो 19 बटा 5 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर क्या बचा, y 5, इधर इसको लेकर आओ
पांच तो माइनस होगा 19/5, तो y इक्वल टू कितना होगा, एलसीएम होगा 5, 5 25 माइनस 19, तो कितना होगा 25 में से 19 घटाओ 6/5, तो y का मान कितना निकला 6/5 और x का मान कितना निकला 19/5। तो अंत में लिख देना, अतः x का मान कितना है 19/5 और y का मान कितना है 6/5, यही होगा आंसर।